जब दूसरा तुरगियां फूंक ले जाएगी तब परमेश्वर समुद्र में हाथ डालता है, देखेंगे। हाँ, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, दूसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, तब मानो आग का जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, समुद्र में डाला गया। अभी परमेश्वर समुद्र में हाथ डालता है। हाँ, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया। पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना समुद्र का पानी है उसमें एक तिहाई समुद्र का पानी पूरा पृथ्वी में लहू हो गया। पूरा पृथ्वी पर जितना समुद्र है एक तिहाई समुद्र का पानी लहू हो गया। आपको मालूम है क्या, पृथ्वी के ऊपर एक टक्के बराबर है, एक टक्का क्या बोलेंगे, ओके आई विल टेल इन इंग्लिश, जमीन एक टाइम और समुद्र थ्री टाइम। ओके, जमीन जमीन है एक एक गुना एक तिहाई, ओके एक तिहाई में, ओके जमीन जमीन से समुद्र तीन पट ज्यादा, तीन गुना। हा, जमीन है एक गुना, समुद्र है तीन गुना, तीन गुना बड़ा है जमीन से पृथ्वी पर समुद्र बड़ा है, तीन गुना समुद्र, जमीन एक गुना हो गई। क्यों नष्ट हो गए आपको मालूम है क्या, समुद्र में बड़ा बड़ा जहाज जाना चाहे तो उस जहाज के नीचे बड़ा बड़ा फैन है, फैन फिरना चाहिए पानी में तब जहाज आगे पीछे जाएंगे, परंतु समुद्र का पानी थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो गया तो भी, जड़ हो गया तो भी पानी फैन नहीं फिरेंगे। अभी पानी लघु हो गया फैन नहीं फिरेंगे, जिस जगह में जहाज जाता था उस जगह में रुक गए, एक तिहाई जहाज पृथ्वी पर नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। जब पहला तुरगियां फूंक ले जाएगी जमीन एक तिहाई जल गई, दूसरा तुरगियां फूंक ले जाएगी समुद्र एक तिहाई लहू हो गया, अभी जब तीसरा तुरगियां फूंक ले जाएगी परमेश्वर पीने का पानी के ऊपर हाथ डालता है। हाँ, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तीसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, स्वर्ग से टूटा एक बड़ा तारा, किधर टूटा, हाँ, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। अभी मुझे बोलो, नदी पानी की सोतो मतलब कौन सा पानी, अभी पीने के पानी पर परमेश्वर हाथ डालता है। हाँ, उस तारे का नाम नगदौना है, नगदौना नहीं नागदौना, उस तारे का नाम नागदौना है, उस तारा का नाम है नागदौना। हाँ, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना पीने का पानी है सब पीने का पानी में एक तिहाई पीने का पानी पृथ्वी के ऊपर नागदौना सा कड़वा हो गया। हाँ, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए, मर गए बहुत से मनुष्य, जितना लोग उस कड़वा पानी पिए मर गए, मर गए जितना लोग उस कड़वा पानी पिए मर गए, मर गए। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो, मैं आप लोगों को कहानी नहीं बोला, जो होने वाला है पृथ्वी पर
बाइबल में लिखा है यही बोल रहा है, जो लिखा है अवश्य होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। अभी आप लोग इधर बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अगर आप लोग अभी आने वाला यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, मोबाइल, इंटरनेट, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाक और व्यभिचार, झगड़ा, चोरी, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के संग स्वर्ग न जाकर मसीह के विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, कल आप और आपका बच्चे इधर रहना चाहिए। हे परमेश्वर का वचन है, मैं ज्यादा कमी नहीं बोला, जो है वे ही आपको बोल रहा है। बचाव कर लो, छोटा बच्चे, छोटा छोटा बच्चे मेरे पास सुनो, मैं फिर से बोल रहा है, बोले मुझे तकलीफ नहीं, आप लोगों का बचाव हो गया तो मुझे बस हो गया। इवन छोटा बच्चे मेरे पास सुनो, इवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो टीवी, छोटा भीम और जो कुछ बच्चों का चैनल है, WW जो कुछ ऐसा चैनल है, इसके द्वारे भी शैतान आप लोगों को भरमाएगा। ऐसा मरना चाहिए मसीह विरोधी का दिन में। छोड़ दो प्रकाशित वाक्य सुनने के बाद मुझे मालूम है कितना भी बच्चे घर को जाने के बाद पापा मम्मी के बोले, पापा मम्मी घर में केबल कट करो, मुझे मालूम है कितना घर में केबल कट किए, नहीं चाहिए, किसको चाहिए ऐसा मरने। सिर्फ टीवी डीवीडी प्लेयर बस हो गया, जो परमेश्वर का वचन का कैसेट है और स्तुति आराधना का कैसेट है उतना डालना, उतना परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का स्तुति आराधना करना, परमेश्वर का गाना सीखकर बस हो गया। चर्च बस, घर बस, स्कूल कॉलेज बस, बाइबल बस, किसको चाहे ऐसा मरना। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, प्रकाशित वाक्य वचन सुनने के बाद, कितना भी जवान बच्चे उनका मोबाइल में सिनेमा गाना डिलीट किए, मेरा सामने डिलीट किए, मेरे पास आकर बोले, पास्टर आपको धन्यवाद, हमारा जीवन आपने परमेश्वर का वचन बोलकर बचाव किया है, आपको धन्यवाद पास्टर, मेरे पास आकर बोले। कितना भी जवान बच्चे उनका मोबाइल में बुरा बुरा चित्र डिलीट किए, उनका मोबाइल में व्हाट्सएप बंद किए, फेसबुक बंद किए, मुझे मालूम है, मेरे पास आकर बोले। कितना जवान बच्चे टच स्क्रीन सेलफोन पापा मम्मी के वापस दिए, सादा सेलफोन लिए, बस हो गया, किसको चाहिए टेम्पटेशन। परमेश्वर का लोगो हो, मसीही लोगो हो, कुछ भी त्याग करो, परंतु यीशु के संग स्वर्ग जाना चाहिए। इधर मत रहना। जिस लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उन लोग कड़वा पानी पीकर मरेंगे, परंतु जिस लोग इसके पहले आने वाला यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे, उन लोगों को स्वर्ग में क्या है, कौन सा पानी मालूम है क्या, जीवन का पानी, जीवन का नदी का पानी, हम लोग पीकर सदा काल जिएगी। जमीन एक तिहाई जल गई, दूसरा तुरिया फूंक ले जाएगी, समुद्र एक तिहाई लहू हो गए, तीसरा तुरिया फूंक ले जाएगी, पीने के पानी एक तिहाई कड़दवन हो गए और जितना लोग उस पानी पिए सब मर गए। अभी जब चौथा तुरिया फूंक ले जाएगी, परमेश्वर आकाश में हाथ डालता है। आगे पढ़ूंगा, हाँ,
चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, चौथा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की एक तिहाई हाँ और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई हाँ, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया हाँ, और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा हाँ, और वैसे ही रात में भी जब चौथा तुरही फूंक ले जाएगी सूर्य चंद्रमा और तारे एक तिहाई अंधकारमय हो जाएगी। एक तिहाई अंधकारमय हो जाएगा क्या? ऑलरेडी जो जो होने वाला है मसीह विरोध के दिन में चौथा तुरिया फूंक ले जाएगी तब होने वाला है। ऑलरेडी परमेश्वर पुराना नियम में यशया द्वारे लिख कर रखा है। यशया 13:10 पढ़ो 13:10 हाँ क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और आवाज बड़ा क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे अपना प्रकाश ना देगा। अभी आकाश के तारे हो गया अपना प्रकाश ना देगा। अभी हम देखेंगे सूर्य और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। अभी सूर्य भी हो गया अभी हम देखेंगे चंद्रमा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा हो गया ना हो गया। सूर्य चंद्र और तारे एक तिहाई अंधकारमय हो जाएगी। ऑलरेडी यशया द्वारे परमेश्वर भाई पुराना नियम में लिख कर रखा है परंतु वे होने वाला कब मसीह विरोधी का दिन में कब होने वाला है? चौथा तुरिया जब फूंक ले जाएगी तब होने वाला है। पुराना नियम में परमेश्वर ऐसे द्वारा लिख कर रखा। हम पुराना नियम देखा है सूर्य चंद्र और तारे एक तिहाई अंधकारमय हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य में भी वही देखा, यीशु भी वही बोला। अभी हम देखेंगे साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहा है जो पेपर में आया था। अभी मैं आपको बताऊंगा 10 अक्टूबर 2003 में पेपर में आया था। कन्नड़ में पढ़ूंगा और हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। अति दोड्डा पावर कट, एक बड़ा पावर कट होने वाला है आने वाला दिन में। मतलब क्या? आने वाला दिन में सूर्य चंद्र और तारे प्रकाश नहीं देगा, पृथ्वी पावर कट हो जाएगा। बोले 2003 में अमेरिका नासा साइंटिस्ट लोग पेपर में दिया है। और मैं आपको क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर का लोग हो मसीह विरोधी का दिन में जब चौथा तुरिया फूंक ले जाएगी तब अंधकारमय होने के लिए सूर्य चंद्रमा तारे अभी ही तैयार है। परंतु इसके पहले यीशु आएगा, हम लोगों को बचाव करके स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। अभी हम देखेंगे पांचवा तुरहिया। जब मैंने फिर देखा पांचवा तुरहिया, इधर देखो, वचन देखो, नवा अध्याय पहला वचन से। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और पांचवा स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और पांचवा स्वर्गदूत ने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का धुआं उठा। और कुंड में से बड़ा भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गई। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय, इतना धुएं आतंक कुंड में से बाहर निकल कर आ रहा है। अभी देखो,
अतः कुंड में से बड़ा बट्टी का सा धुया धुए उठ कर बाहर आकर वर चढ़ रहा है और दुए वर चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ते चढ़ते दुए वर चढ़ते चढ़ते उस दुए में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। उस दुए में से पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों टिड्डियां निकली, करोड़ों टिड्डियां निकली। ये टिड्डियां किधर से आ रहा है पृथ्वी के ऊपर? कुंड में से आने वाला दुए से निकलकर ये टिड्डियां पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। आप लोग टिड्डियां देखा क्या? टिड्डियां देखा खेत में? इतना इतना बड़ा है, देखो टिड्डियां। और क्या क्या खाएंगे? खेत में फीक का डालेंगे और पेड़ का पान का डालेंगे और उपज नष्ट कर डालेंगे टिड्डियां, देखा है ना? परंतु परमेश्वर जो टिड्डियां भेज देगा, हर एक टिड्डियां का आकार ऐसा रहेगा। यही देखो टिड्डियां, आगे पढ़ो। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हर एक टिड्डियां को पृथ्वी के बिच्छू जैसा शक्ति दिए। इधर देखो, पृथ्वी के बिच्छू जैसा उनका पूछ रहेगा। उनसे कहा गया कि अभी परमेश्वर टिड्डियां को कहकर भेज दिया है। अभी ठीक से सुनो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यही टिड्डियां पुराना नियम में बताऊंगा, आप लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। पुराना नियम में लिख कर रखा है ये टिड्डियां, परमेश्वर का सेना बोले लिख कर रखा है। अभी परमेश्वर टिड्डियां को बोलकर भेज दिया। क्या बोलकर भेज दिया? न पृथ्वी की घास को, नहीं बरोबर पढ़ना चाहिए और अपना मन इधर रखकर पढ़ना चाहिए। पढ़ो, न पृथ्वी की घास को। देखो टिड्डियां, देखो तुम लोग, न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। हानि पहुंचाए, किसी पेड़ हरियाली घास को हानि नहीं पहुंचना, किसको भी तकलीफ नहीं देना। अगर क्या करना चाहिए? केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना चाहिए, किसको? जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, मतलब कितना लोग? कितना लोग? सिर्फ उतना लोगों को छोड़ना, बाकी सब लोगों को डंक मारना। आवाज बड़ा। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं? देखो टिड्डिया, तुम लोग लोगों को मार डालना नहीं, किसको भी मार डालना नहीं। पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक पृथ्वी के लोगों को डंक मारना, उन 5 महीना पृथ्वी के ऊपर लोगों को मरन नहीं। नो डेथ फॉर 5 मंथ ऑन द अर्थ, कोई लोग मर नहीं सके। छोटे बच्चे से बड़ा लोग तक सब लोग जिंदा रहेंगे और करोड़ों टिड्डियां के परमेश्वर छोड़ेगा, सब लोगों को 5 महीना डंक मार के बैठेगा परमेश्वर। आप लोग सोच भी नहीं कर सके। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किसको तो अनुभव है? क्या अनुभव है? किसको अनुभव है? हाथ पर। अरे वाह, पास्टर लोग, अरे ओके, भरपूर लोग। मुझे बोलो, एक बार बिच्छू डंक मारा तो एक पूरा दिन 24 आवर्स तकलीफ हो जाए, बराबर है ना? बराबर है ना? 5 महीना हर दिन डंक मारा तो चाहे क्या? चाहे? देखो ना सिनेमा सीरियल देखो, 5 महीना डंक मारेंगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। उन दिनों में पृथ्वी के लोग मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न कैसा, कैसा तो
मरा तो अच्छा हो जाएगा, बोले मूर्ति को ढूंढेंगे पृथ्वी के लोग और न पाएंगे, मरण नहीं नहीं पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे। और लोग क्या करेंगे? लालसा। क्यों लालसा? चिकन बिरयानी खाने के लिए। मर गए तो बस हो गया, हर दिन डंक मार रहा है, लालसा मरने के लिए और मृत्यु उनसे भागेगी। नो डेथ। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए, हर एक टिड्डियों का आकार ऐसा है, हर एक टिड्डियों का आकार शरीर देखा तो लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। हर एक टिड्डियों का शरीर देखा तो लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा है शरीर देखा तो। आप लोगों को मालूम है क्या? सादा घोड़ा अलग है, लड़ाई घोड़ा अलग है, मालूम है ना? सादा घोड़ों से लड़ाई घोड़ों को 10 गुना जास्ती पावर। एक एक उदाहरण बोलूंगा मैं आपको। सादा मनुष्य अलग है, WWE मनुष्य अलग है, नहीं आपको समझना चाहिए ना, इसलिए बोला। और हर एक टिड्डियां का शरीर देखा तो लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा है और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। और मुंह देखा तो मनुष्य का मुंह जैसा है, क्या टिड्डियां। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, दांत देखा तो सिंहों का दांत। वे लोहे किसी झिलम पहने थे, लोहे किसी झिलम, इधर देखो झिलम है, लोहे का झिलम। क्यों? हर एक टिड्डियां को परमेश्वर ऐसा झिलम देकर भेज दिया है। क्यों? मसीह विरोधी का दिन में ऐसा टिड्डियां आए लोगों को डंक मारने के लिए, लोग बंदूक से मारेंगे। परमेश्वर ने दिया झिलम, एक भी टिड्डियां नहीं मरेंगे, जख्म भी नहीं होंगे, क्योंकि ये टिड्डियां ऑलरेडी किधर से आ रहा है? अतहंग कुंड की अग्नि से आ रहा है, आग से आ रहा है। इधर देखो, अथाह कुंड में इतना दूर आना चाहे तो अंदर आग रहना चाहिए क्या? नहीं, उस आग में ये टिड्डियां नहीं मरे। देखो, इसलिए बाइबल में लिखा है अथाह कुंड में और नरक में आग नहीं बुझेगा और कीड़ा नहीं मरेगा। यही कीड़ा देखो, यही कीड़ा। और उनके पंखों का शब्द, हर एक टिड्डियां का पंखों का शब्द। एक टिड्डियां उड़कर आया तो उसका पंखों का आवाज ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। जो लड़ाई में दौड़ते हैं रथों, बहुत से घोड़ों का रथों दौड़ते हैं, तब जैसा आवाज आएगा वैसा आवाज एक टिड्डिया उड़कर आने के समय। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और पूंछ देखो, पूंछ देखा तो बिच्छुओं की जैसी थी। और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। उनकी पूंछों में थी। अभी देखो अपना पास्टर साहब अपना घर को हाउस विजिटिंग के लिए आएंगे ना प्रार्थना के लिए आएंगे, बोलो ना। ओके, अपना पास्टर साहब अपना घर को आकर अपना दरवाजा कटक कटा कर खड़ा होंगे, ब्रदर सिस्टर प्रेज लॉर्ड, दरवाजा कट कटा करेंगे। आप लोग विश्वास लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, खिड़की खोल कर देखेंगे कौन आए। और पास्टर को देखा ना, अंदर बच्चों को चिल्लाएंगे, अरे पास्टर आया रे, बंद कर रे। क्या बंद कर? सिनेमा सीरियल शुरू। कौन विश्वासी? चर्च को आए ना, हाथ ऊपर करके स्वर्ग दूत लोग जैसा आराधना, घर के गए तो सिनेमा सीरियल शुरू। कौन? पापा मम्मी बच्चे सब बैठ कर देख रहा है विश्वासी।
पास्टर कटकटाकर खड़े होंगे बाहर, दरवाजे के बाहर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, प्रेज लॉर्ड, बंद कर रहे पास्टर आए, बंद कर। और उसके बाद दरवाजा खोलेंगे, प्रेज लॉर्ड, सलाम पास्टर, प्रेज लॉर्ड। पास्टर का आंख आप लोग बंद कर सके, यीशु का आंख बंद कर सके क्या? सावधान, सावधान। यीशु आने के समय आप लोग सिनेमा सीरियल देखकर बैठे और यीशु आप लोगों को छोड़कर गया और आप लोग रहे, किधर रहे, किधर रहे बोलो? मसीह विरोधी का दिन में रह चुके आप लोग, पूरा फैमिली परिवार रह चुके, पापा मम्मी बच्चे सब लोग बैठकर सिनेमा सीरियल देख रहा है, सब लोग रह चुके मसीह विरोधी के दिन में। और यीशु आकर जाने के बाद अभी पापा मम्मी बच्चे एक दूसरों को साथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अभी पति पत्नी को बोल रहा है, अगर देख ज्यादा लोगों का गायब हो गया, बोले हम लोग सुन रहे हैं, मतलब क्या यीशु, यीशु आकर चला गया, हमको तो छोड़कर गया। तमिलनाडु से एक काला पास्टर आया था, चिल्ला चिल्ला कर बोला, गर्म पानी पीकर पीकर, सिनेमा सीरियल मत देखना, मत देखना, फिर भी हम लोग बैठ कर देखे, अभी यीशु आकर हमको छोड़ के गया, अभी क्या करना, हम अभी क्या करना, गिन कर बैठना एक एक विपत्तियां। क्यों? आप लोगों को मालूम है ना, पहला मुहर, दूसरा मुहर, तीसरा मुहर, गिन कर बैठना, इधर भी अपना बचाव हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर तक आ गए आप लोग, किधर तक? पांचवा तुरिया तक आए, कैसा भी करके 2 साल निकाले और पांचवा तुरिया तक आप लोग आए। अभी कुछ तो खाने के लिए और पीने के लिए लेना चाहिए क्या? नहीं, अभी खाने पीने के लिए पापा मम्मी बच्चे, बेटा अगर बेटी कोई कोई ना कोई रन दो, रहने दो, अभी बेटा, पापा मम्मी बेटा, एक उदाहरण बेटा कुछ तो खाने के लिए लेने के लिए बाहर जा रहा है, जाते जाते एक टिड्डियां आ रहा है, पत्नी देखी, देखने के बाद पति को चिल्लाती है, इधर पत्नी लोग पति को क्या बोलकर बुलाएंगे? हिंदी में, हिंदी में, अजी सुनते हो, अजी, अजी, रहने दो, अजी, 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 हाँ अजी सुनते हो, ओके। अभी एक एक टिड्डियां आ रहा है, पत्नी देखी, देखने के बाद पति को चिल्लाती है, आजी आजी आजी। अभी पति पूछ रहा है क्या हुआ, इधर इधर देखो जी, कुछ तो आ रहा है, देखो जी। और पति देखा, पति को मालूम हो गया और पति पत्नी को बोल रहा है, देख एक पास्टर प्रकाशित वाक्य जब हमको सिखाता था तब बोला ना, तमिलनाडु से आया था काला पास्टर, बोला देख टिड्डियां आएंगे, बोले वही टिड्डियां देख, और देख उसका पूछ पूछ भी है, और पूछ में देख बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक भी है देख, और बिच्छ ऊपर करके तेरे पास ही आ रहा है देख। अभी पत्नी चिल्लाते हैं, मुझे बचाव करो जी, मुझे बचाव करो जी, क्या करना पति को? पत्नी बोले तो ज्यादा प्रेम, बैठकर देखा ना सिनेमा सीरियल पति। अभी पत्नी के लिए मैं तो मार खाऊंगा, ऐसा गया, पत्नी को गट पकड़ा और टिड्डी आई, पति को, पति की इधर डंक मार कर गए, डंक मारने के बाद गिर 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 बोले
तकलीफ हो रहा है, अभी पाओ उठाने के लिए भी शक्ति नहीं, ऐसा ऐसा पकड़ के कड़ा है। तब तक बेटा चिल्लाता है क्या, ये पापा पापा पापा, क्या रे इधर देख, इधर एक आ रहा है देख पापा, ये भी क्या, पूछ ऊपर करके बेटा के पास आ रहा है। अभी बेटा पापा को चिल्लाता है, पापा पापा मम्मी को बचाव किया, मुझे भी बचाव कर, मतलब क्या, मम्मी के लिए मार काया, मेरे लिए भी मार का, परंतु मुझे बचाव कर पापा, क्या करना पापा को। बेटा बोले तो प्रेम ज्यादा बैठ कर देखा ना सिनेमा सीरियल पापा बेटा के साथ, अभी बेटा के लिए मैं तो मार काऊंगा, ऐसा गया और बेटा को ऐसा पकड़ा, टिड्डिया आया पापा को इधर एक डंक मारे और गए दोनों सेठ गिर 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 गिर, बोले तकलीफ हो रहा, हंस रहा है, रह कर देखो मालूम पड़ेगा। और और दोनों सेठ गिर गिर बोले तकलीफ हो रहा है। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो